बागेश्वर धाम सरकार को बिहार में घुसने से ऐसे रोका जा रहा है मानो वो कोई आतंकवादी हो, कोई माफिया हो, कोई अपराधी हो, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट हो। नीतीश सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने के लिए अपनी फौज भी तैयार कर ली है, लगातार उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हिंदू कथावाचक का एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे। दूसरी तरफ बिहार के ही मुजफ्फरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर अदालत में केस दर्ज करवा दिया गया। सवाल ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के बिहार आने पर आरजेडी इतना बवाल क्यों मचा रही है। नमस्कार, ये है वो कल भारत और मैं हूँ चमन मिश्रा। बागेश्वर धाम सरकार पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाने वाले थे, लेकिन उन्हें वहां की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने अपना दरबार पटना के ही नौबतपुर में शिफ्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आरजेडी और कुछ दूसरे संगठन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध मैदान में उतर आए हैं। 13 से 17 मई तक चलने वाले दरबार के खिलाफ सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव आए। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि हिंदू मुस्लिम करने वालों को बिहार में नहीं घुसने देंगे, और अगर वो बाबा यहाँ ऐसा करेंगे तो हम पटना एयरपोर्ट पर ही उनका घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव बयान देकर ही पीछे हट गए हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरों के साथ ही उन्होंने लिखा कि तैयारी पूरी है। उनका अर्थ है कि बागेश्वर धाम सरकार को रोकने की तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, अगर वो पटना में कथावाचन करने आ रहे हैं तो इसका इतना विरोध क्यों? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई आतंकवादी तो है नहीं जो आपने उन्हें रोकने के लिए अपनी फौज तैयार की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई माफिया या फिर अपराधी भी नहीं है जिन्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे कि आप धमकी दे रहे हैं। जिलाधिकारी को मरवाने वाले आनंद मोहन सिंह को रिहा करवाने वाली नीतीश सरकार ने एक हिंदू कथावाचक के पीछे अपना मंत्री क्यों छोड़ रखा है? तेज प्रताप यादव का कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार नफरत फैलाते हैं, इसलिए उन्हें नहीं आने देंगे। ठीक है, अगर वो नफरत फैलाते हैं तो उसके लिए कानून होंगे ना बिहार में, जैसे दूसरे राज्यों में है। उन कानूनों के तहत उनके ऊपर केस करिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि सरकार नफरत फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करे। कानून सम्मत जो भी है वो कीजिए, लेकिन ये क्या बात हुई कि सरकार का एक मंत्री हिंदू कथावाचक को रोकने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा धमकी दे रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों बिहार नहीं आ सकते? भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य के किसी भी शहर में बेरोक टोक जा सकता है, तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं जा सकते जबकि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? तो फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे क्यों पड़े हैं नीतीश सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे? और सिर्फ तेज प्रताप यादव ही क्यों? बिहार सरकार में शामिल आरजेडी के अध्यक्ष ही बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस है कि वे बाहर हैं। और सिर्फ यही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक महिला ने केस भी दर्ज करवा दिया है। 10 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। बागेश्वर धाम सरकार पर बिहार का तापमान उफान पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के भक्त कितनी बड़ी संख्या में उनके दरबार में पहुंचते हैं। उससे पहले यह भी देखना होगा कि एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव क्या करते हैं, और 10 मई को होने वाली सुनवाई को भी देखना होगा। लेकिन नीतीश सरकार से और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं, हिंदू कथावाचक के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? बागेश्वर धाम सरकार को लेकर बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।